मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। छिंदवाड़ा में भी मूसलाधार बारिश हुई है, जिसे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घरों में पानी घुस गया है, घरों का सामान सड़कों पर तैरता नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा के परासिया में हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए, जिसके चलते घरों में दुकानों में पानी घुस गया। बारिश के चलते चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। बारिश ने शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। एक घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से 50 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। प्रभावित लोगों का आरोप है कि नाला निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते आज ऐसी स्थिति निर्मित हुई। क्या नुकसान हुआ आपका? ये नाले की हाइट कम होने के कारण पानी ऊपर से चला गया और ऊपर से जाने के कारण मेरी दुकान में पूरा पानी भर गया। दो तीन कट्टी शक्कर तो बह गई और बाकी कनकी चावल पूरा खराब हो गया। नीचे का जितने सामान था पूरा खराब हो गया और मेरे बाजू वाले की दीवार गिर गई पूरी। वार्ड नंबर 2 एवं 3 के कई दुकानों में, कई घरों में इतना पानी समाया कि लोगों के लैपटॉप, मोबाइल, घर की सामग्री सब बह गया। इसका मुख्य कारण यह है कि नगर पालिका डोंगर परासियों को हमारे द्वारा 2 महीने पूर्व भी एक सूचना दी गई थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ग्राउंड का जो पानी है वो पूरा बह के नाले में समाता है और नाले के द्वारा जो है पूरा कीचड़ सहित यहाँ पर भरता है नाले में। अभी वर्तमान में यह है कि नाले में कीचड़ इतना ज़्यादा इकट्ठा जमा हुआ है, कचरा जमा हुआ है, जिसके कारण पानी ऊपर तक बहाव हुआ है। हमने जो है 2 महीने पूर्व जब नगर पालिका को सूचना दिए थे उसमें नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा हमें एक पंचनामा बनाया गया था कि भाई यहाँ पे हम पंचनामा बना के आपके नाले का निर्माण कार्य करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।